भाई थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। स्टार्ट करूंगा इससे कि पहले तो बताएं कि यार क्या इस मूवी के अंदर के लोग जो है पब्लिक बड़ा वो कर रही है, रिस्पॉन्स कर रही है इस मूवी को। ट्विटर पे मैं बहुत ज्यादा इसको, जैसे मैं ट्विटर पे जाता हूँ तो कुछ ना कुछ इसके हवाले से लिखा हूँ। क्या है ये आखिर? कश्मीरी पंडित के हवाले से सुना कि पहली मूवी बनी है। पहली मूवी कश्मीरी पंडित के एंगल दिखा रही है। दूसरी चीज ये कि हमारी गवर्नमेंट कभी भी बहुत क्लियरली इस पे बोलती नहीं थी। हमारी जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने इसकी डिटेल्स को नजरअंदाज किया था। कभी भी बहुत इतना खुलेआम बोला नहीं गया था। ये पहली बार मूवी ने जो इंसिडेंट्स वहां हुए थे, फैक्चुअल इंसिडेंट्स, एक एक इंसिडेंट, वो इंसिडेंट्स दिखाए हैं। और कुछ भी एग्जैजरेशन नहीं दिख रहा। हाँ, कुछ कुछ कैरेक्टर्स को इन्होंने मिक्स जरूर किया है, लेकिन ये है कि इंसिडेंट्स हुए थे। और ये हम लोग बचपन से देखते आए कि कश्मीरी पांडित्स बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें वहां से निकाल दिया गया, हमें ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। उनसे मैं कुछ शोज में गया था जहां पे कश्मीरी लोग बोल रहे थे, आप अपना घर बेच के क्यों भाग गए, आप अपना घर छोड़ के क्यों भाग गए, आपको यहीं रहना चाहिए था। इस मूवी को देखने के बाद कोई ये नहीं बोल पाएगा कि ये लोग वहां से चले क्यों गए, क्योंकि सिचुएशन जो थी उस सिचुएशन में तो ये लोग वहां रह ही नहीं सकते थे। जो सिचुएशन अब दिखी है, एक्चुअल सिचुएशन उस रात की, जनवरी 1990 की, और उससे कुछ दिन पहले की वो सिचुएशन दिखाई गई है। उसके बाद कुछ लोग रिहैबिलिटेट करने के लिए वापस भी गए कश्मीर में, तो फिर उनके साथ क्या हुआ, वो सिचुएशन है। और बहुत ही जैसे बोलते हैं कि, और इंडिया के कुछ लिबरल्स उसको कैसे डील कर रहे थे, ये सारी चीजें। होम मिनिस्टर उस समय क्या कर रहे थे, होम मिनिस्टर से किसी ने बोला कि हमें हम यहाँ पे हैं, हमें प्रॉब्लम है, तो वो उस पर होम मिनिस्टर का रिएक्शन क्या था, ये सब है इसमें। गवर्नमेंट किस तरीके से इसको डील करते रही, और गवर्नमेंट उस टाइम की करंट गवर्नमेंट ने कैसे इस इश्यू पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ये इसमें है। हाँ मुझे तो एक चीज जी और मैं समझना चाहूंगा, वो ये है कि ये मामला 30 साल पुराना है। 1990 को अगर हम देखें, बल्कि 32 years old एक मैटर है। मैंने भी इस पे कुछ शोज किए और मेरी मतलब रायना साहब हैं आप लोगों के, वो भी कश्मीरी पंडित में से हैं, एक बल्कि एक्टिविस्ट हैं, सॉरी कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। उनसे भी मेरी इस हवाले से बात हुई है। अच्छा, ये मामला तो हुआ, लेकिन लोगों का रिस्पॉन्स जो इस वक्त नजर आ रहा है वो बड़ा अलग से है। क्या वजह है कि इनको मतलब कुछ को पता था, कुछ को नहीं पता था, मूवी से इनको पता चला, ये है? या अब वो कहते हैं कि यार पिछली हुकूमतों ने इसको पसे पोछ डाल दिया था, बिल्कुल साइड पे कर दिया था, और अभी जो भी डायरेक्टर इसके हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन मैंने उनकी गालिबन मोदी जी से मुलाकात में, उनकी वो एक खातून है और एक वो गालिबन वो डायरेक्टर है, तो अभी इस चीज को सामने लेकर आए हैं। क्या वजह है कि या टाइमिंग ऐसी चूज करना, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये रिलीज तो थोड़ा पहले होनी थी और रिलीज नहीं हो पाई कुछ वजहों से। लेकिन ये जो इश्यू है, ये जो एक तो इसकी माइन्यूट डिटेल्स नहीं पता थी। वहां पे गवर्नमेंट अपैरेटस कितना मजबूर था जो कि सिक्योरिटी नहीं दे पाया, ये भी पब्लिक के सामने पहली बार आया। फिर उसके बाद तीसरी चीज ये कि जो हम लोगों ने किसी जमाने में पढ़ा था कि ऐसा हुआ है ऐसा हुआ है, एक तो हम सारी चीजें पढ़ नहीं पाए थे, सारे लोग सारी चीजें नहीं पढ़ पाए थे। इन्होंने एक्सटेंसिव रिसर्च की, लंबे टाइम तक रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद एक एक इंसिडेंट को लिया है। तो जाहिर है अगर आप पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और 2.5 घंटे में, करीब तकरीबन 2-2.5 घंटे में आपको कोई आदमी पूरा का पूरा कंसाइज में दे दे, तस्वीर अभी दिखा भी दे आपको। सारे इंसिडेंट या तस्वीर दिखा दे, अभी भी सारे इंसिडेंट्स नहीं आ पाए, लेकिन सबसे खराब जो इंसिडेंट्स थे वो लाए गए हैं इसमें सामने। अभी अभी और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं
जो कि मैं ये मूवी देखने के बाद में रिसर्च कर रहा था तो मुझे नाम याद आया, गिरजा टिक्कू, उसके साथ जो एट्रोसिटी हुई थी वो दिखाई गई है, बीके गंजू उनकी वाइफ के साथ जो एट्रोसिटी हुई थी वो दिखाई गई है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग और भी थे, प्रोफेसर गंजू थे या जस्टिस गंजू का मर्डर इसमें मेंशन है, जस्टिस गंजू का, लेकिन प्रोफेसर गंजू थे जिनको जिनका मर्डर किया गया और उनको नदी में उनकी लाश फेंक दी गई। फिर उसके बाद भाई भाई उनका भाई साथ था और वाइफ साथ थे, एक ब्रिज पे उनके साथ हुआ था। तो भाई को बोला गया या तो नदी में कूद जा नहीं तो हम तेरे सामने करेंगे जो करेंगे। तो भाई नदी में कूद गया और वाइफ का फिर उसके बाद गैंग रेप के बाद मर्डर। ये सारी चीजें वो 2.5 घंटे में इनकॉर्पोरेट करना बहुत मुश्किल था, इसलिए किया नहीं गया। लेकिन जो इन्होंने दिखाया वो भी बहुत ही जिसे बोलते हैं हार्ट टचिंग था। कोई भी देखेगा उसको ये फील जरूर होगा कि कितना बुरा हुआ उन कश्मीरी पांडित्स के साथ। जो नहीं दिखाया गया वो भी बहुत ज्यादा है, वो भी बहुत है और वो भी बहुत ग्रूसम है। तो इनके लिए कश्मीरी पांडित्स पहले हमारे कंट्री में लोग उनसे सिंपैथी रखते थे और ये बोलते थे कि इनके साथ गलत हुआ, लेकिन इस फिल्म ने बताया कि उनके साथ गलत क्या हुआ और कितना हुआ। इसलिए ये मूवी एक एक अलग लेवल पे लेके गई है और इस मूवी ने बिल्कुल असलियत दिखाई है कि हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स कश्मीरी पंडित्स की ओर कुछ नहीं कर पाई। कश्मीरी पंडित्स के लिए कुछ उन्होंने किसी भी गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट का नाम नहीं ले पा रहा, मैं सबका नाम लूंगा कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने कश्मीरी पंडित्स के लिए कुछ नहीं किया और कश्मीर को संभालने के लिए भी कुछ नहीं हो पाया अब तक। कश्मीर में जो हो रहा है, चाहे वो कहीं से भी हो रहा हो, पाकिस्तान से हो रहा हो, कहीं से भी हो रहा हो, लेकिन इसने रियलिटी बताई है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान से ही हो रहा है वो तो बहुत क्लियर है गवर्नमेंट, लेकिन इसने रियलिटी बताई है कि कश्मीर के अंदर क्या हुआ है। बाहर से टेरर आ रहा है वो तो सबको पता है, अंदर क्या हुआ है। और जो ये लोग चीखते थे बहुत सारे लोग के कश्मीर में मुस्लिम्स के साथ एट्रोसिटी होती है, वो सारे के सारे जो क्लेम्स हैं वो इस जनवरी 1990 के बाद के हैं। इसने ये भी बताया कि सबसे पहली एट्रोसिटी कश्मीरी पंडित्स के साथ हुई थी वहां पे, उसके बाद ही कहीं मुस्लिम एट्रोसिटीज के आरोप आए हैं अच्छा या एक एलिगेशंस आए चीज हैं। और है, मूवी मैंने नहीं देखी, होपफुली देख लूंगा मैं, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि 1990 में ये वाकया होता है, इंडियन फौज वहां पे मौजूद थी उस वक्त भी होगी यकीनन, कोई ये मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर ये सारा कुछ, अगर मैं कहता हूं कि पाकिस्तान फौज कहीं पे है, हम कहते हैं ये बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है, कोई शक नहीं है, अटैक्स भी होते हैं, ठीक है। अच्छा हमारे जो पुराना फाटा है वहां पे भी ये मसाइल हैं, फौज है हमारी इस वक्त भी, क्या उन्होंने क्यों रोल प्ले नहीं किया? अगर हम इस फिल्म को रियलिटी बेस करके हम जाते हैं कि कहते हैं कि हकीकत पे मबनी इन्होंने चीजें उठाई या रियल स्टोरीज उठाई है, और मतलब जिस तरह आप और आपके अलावा भी बहुत सारे दोस्तों से मैं सुनता हूँ कि यार बहुत कुछ हुआ, तो सर वहां पे अगर फौज वहां पे, मैं इस पे भी नहीं जाता कि ये 1 लाख फौज है, 50,000 है, 30,000 है, लेकिन फौज का एक बड़ा मजबूत इदारा है और उनके कंट्रोल होता है। सर वो लोग क्या कर रहे थे कि अगर इतने, ये पता नहीं कितने, 30,000 ये बता रहे हैं, सॉरी 5 लाख मैंने गालिबन सुना है, इफ आई एम रॉन्ग तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, तो 5 लाख लोगों को सर निकाला जाता है, फौज वहां पे क्या कर रही थी, उसके हवाले से भी कोई सीन है या इसमें उसको इग्नोर किया गया? इसमें उस चीज का बहुत क्लियर वर्णन बोलते हैं हिंदी में, बहुत क्लियर दिखाया गया अच्छा है कि व्हाट वाज द चीफ मिनिस्टर डूइंग, व्हाट वाज द होम मिनिस्टर डूइंग, और दोनों कश्मीरी थे। चीफ मिनिस्टर कश्मीरी था और कंट्री का होम मिनिस्टर भी कश्मीरी था, और ये महबूबा मुफ्ती के फादर थे। वो दोनों क्या कर रहे थे और दोनों कहाँ पहुंचे हैं, इनफैक्ट ये तो एक बहुत नोन बात है। तो के बोला जाता है कि जब जब कश्मीर जल रहा था तो वहां के चीफ मिनिस्टर, कश्मीर के चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला गोल्फ खेल रहे थे, लेकिन यहां पर फारूक अब्दुल्ला क्या कर रहे थे वो भी बताया गया। एक आईएएस ऑफिसर भी है, ब्रह्म कुमार ब्रह्म प्रकाश कुछ ऐसा नाम है उनका इस मूवी में, तो
एक आईएएस ऑफिसर भी हैं, एक